गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम हाइट, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। तो देखते हैं, सबसे पहले जानेंगे मैक्सिमम हाइट किसको बोलते हैं। मैक्सिमम हाइट प्रोजेक्टाइल मोशन हो सकता है, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रयास करता हूं फिनिश करने का। देखो बेटा, जब यहां से पार्टिकल हो से गया और ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है इसको ही बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। मतलब द वर्टिकल डिस्टेंस कवर बाय प्रोजेक्टाइल, द वर्टिकल डिस्टेंस कवर बाय प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ग्राउंड टू एयर इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट। अब यहां पर देखो, आपको मैंने क्या पढ़ाया था, वी वाई इक्वल टू जीरो और वी एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा। यहां पे थीटा था, ये यू था। अब देखो इधर क्या था, यू कॉस थीटा, इधर क्या था, यू साइन थीटा। क्लियर। अब मान लो ओ से ए, ए से बी, अपने को मैक्सिमम हाइट लेना है, तो आप पढ़े हो फॉर्मूला वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू एस। वी क्या है, फाइनल है, तो यहां पर वर्टिकल लेंगे तो जीरो स्क्वायर माइनस वर्टिकल क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का, यू साइन थीटा का होल स्क्वायर टू, अपवर्ड है तो इंटू माइनस जी इंटू एच। मतलब माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू जी एच माइनस माइनस प्लस, तो एच इक्वल टू क्या निकला, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय टू जी। इसे हम बोलते हाइट का क्वेश्चंस। क्लियर। अब देखो यहां तक हम जान गए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, h इक्वल टू यू वाई स्क्वायर बाय टू जी। यू वाई है, यही है ना, यू साइन थीटा उसका स्क्वायर है, आप इसे भी लिख सकते। अगर थीटा की वैल्यू 90 हो, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तब क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मतलब थीटा 90 होगा तो सीधा जाएगा ना प्रोजेक्टाइल मोशन में, आएगा नहीं आएगा, ये सीधा ऐसे आएगा अपवर्ड, तो उस कंडीशन में ये प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होगा, वर्टिकल मोशन होगा अपवर्ड। और उस समय से s इक्वल टू क्या पढ़ते हैं, यू स्क्वायर बाई टू जी, ये फॉर्मूला हम पढ़ते हैं। देख लो बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिर्फ पढ़ना है और आपको मार्क्स लाना है। मैक्सिमम हाइट देखें, अब हम क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री लेते हैं। पहले देख लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री में, इधर देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री किसको बोलते हैं, एक अगर थीटा हो तो दूसरे पेज में क्या होगा, अभी आपको सिखाए थे 90 डिग्री माइनस थीटा, मतलब थीटा टू 90 डिग्री माइनस थीटा, दो एंगल। तो एच वन करेंगे तो क्या होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय टू जी। एच टू करेंगे तो क्या होगा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू जी साइन 90, साइन 90 इक्वल 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो एच वन बाय एच टू करेंगे तो क्या आएगा, कैंसल होके टेन स्क्वायर थीटा। तो देख लो आराम से, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर होगा, बाकी सब कैंसल हो जाएगा, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, नोट करो। नेक्स्ट बीट देखते हैं, कह रहे प्रोजेक्टाइल पासिंग थ्रू टू डिफरेंट पॉइंट ऑन ए सेम हाइट एट टी वन एंड टी टू। देखो तो डिफरेंट पॉइंट है, मान लो ए और यहां पर बी पॉइंट है, हाइट सेम है वाई वाई। अब टी टाइम पे ये भी पहुंचता है, इधर से भी टी टाइम लेते हैं,
तो देखो टी टाइम पे सेम टाइम पर हाइट है, जितना टी वन उतना टी टू इक्वल टू टी। तो अगर आप पहला से निकालोगे तो y इक्वल टू क्या निकलेगा, u साइन थीटा t1 माइनस हाफ जी टी वन स्क्वायर, फॉर्मूला है ना ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, u के जगह वर्टिकल u साइन थीटा t करेंगे। दूसरे से निकालोगे तो यहाँ t1 के जगह t2 आएगा। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे ये कैंसल होगा, आपसे यहां से u साइन थीटा निकालोगे जी टी वन प्लस टी टू बाई टू होगा। इसी इक्वेशन को पहला इक्वेशन में u sin थीटा का ये वैल्यू पुट कर दो तो y का वैल्यू ऐसा आएगा u sin थीटा t1 माइनस आप gt1 स्क्वायर। इसको हमने सॉल्व किया है पिछले क्लास में तो y इक्वल टू gt1 t2 बाय 2 आएगा। कह रहा है t1 इक्वल टू t2 इक्वल टू t हो तो y इक्वल टू पहला वाला फॉर्मूला t1 के जगह tt, तो यहां पर t रख देंगे। अब देखो यहां पर इसको सॉल्व करेंगे, 2 इधर कर देंगे और जी को नीचे लेंगे, t स्क्वायर माइनस 2u sin थीटा बाय gt 2y बाय g। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अनुसार हम तोड़ देंगे तो फाइनल आंसर आपको ये याद करना है, बाकी कुछ भी नहीं है। सेम हाइट पर अगर आपको टाइम निकालने दिया जाए, थीटा दिया रहेगा u दिया रहेगा, तो u sin थीटा बाय g 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 2gy बाय u sin थीटा का स्क्वायर। तो ये फार्मूला आपको मेन देखना है, इस फार्मूले पर ही जेई में क्वेश्चंस एक बार आया है तो इसलिए मैंने पढ़ाया, नोट करो। नेक्स्ट वीडियो देखेंगे मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज ऑब्जर्व फ्रॉम अनदर पार्टिकल। अब देखो एक पार्टिकल u1 स्पीड से इतना हाइट लिया और दूसरा पार्टिकल u2 स्पीड से यहां गया, इसके बीच का हाइट अगर मान लो इसका y1 होगा इसका y2, ये क्या हो गया चेंज इन हाइट y2 माइनस y1। ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा जो स्लोप दिया, ये स्लोप x2 माइनस x1। तो x इक्वल टू x1 माइनस x2, x1 क्या है u sin थीटा t1 माइनस u sin थीटा t2। देख लो, अब देखो अगर टाइम सेम लिया है t1 इक्वल टू t2 इक्वल टू t, तब क्या हो जाएगा x इक्वल टू u sin थीटा 1 माइनस u sin थीटा 2 इंटू t। ये क्या होगा बोलो, y इक्वल टू क्या होगा, उल्टा हो गया, साइन की जगह कॉस होना चाहिए, मैंने साइन लिखा कॉस थीटा वन, x की जगह कॉस थीटा टू, कॉस थीटा वन कॉस थीटा टू, क्लियर। x है x एक्सिस पर क्या होता है कॉस थीटा, y एक्सिस पर साइन, ये सेम टू सेम होगा। यहां पर लिखे हैं u1 ये u2, u1 sin थीटा 1 t1 माइनस u2 sin थीटा 2 t2। तो ये y इक्वल टू फाइनल क्या होगा u1 sin थीटा 1 माइनस u2 sin थीटा 2 इंटू t। देख लो x इक्वल टू x1 माइनस x2, x मतलब हॉरिजॉन्टल cos थीटा आएगा, x1 के जगह u1 cos थीटा 1 t1, x2 के जगह u2 cos थीटा 2 t2, t1 इक्वल टू t2 इक्वल टू t हो तो t आएगा बाहर, यहां पर u1 cos थीटा 1 माइनस u2 cos थीटा 2 t, उसी तरह से सेम टू सेम cos के बदले sin होगा। तो y बाय x इक्वल टू क्या निकला u1 sin थीटा 1 माइनस u2 sin थीटा 2 by u1 cos theta 1 minus u2 cos theta 2, ये constant होता है, यही projectile का slope निकाला जाता है और ये straight lines आता है। okay, तो देख लो अब पढ़ाएंगे kinetic energy। अब पढ़ेंगे energy of particle।
एनर्जी ऑफ पार्टिकल हम क्या जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी। जब पार्टिकल को आप बर्ड फेंकते हैं तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है, बट टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट होती है। अगर मान लो इनिशियल में क्या होगा, पी तो जीरो होगा क्योंकि हाइट जीरो है, के ई टी होगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हम मान लेते हैं के इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर, और यही टोटल एनर्जी होगा। तब देखते हैं काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट लेते हैं, हाईएस्ट पॉइंट के इक्वल टू क्या होगा, हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पर क्या होगा, पार्टिकल यहां से यहां तक गया, इधर ये वाला रहता है u cos थीटा। अब यहां पर देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी, इसको ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू हाफ हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल टू के, इसको ऐसे बोलते हैं, इसको k डैश करते हैं, k डैश इक्वल टू k cos स्क्वायर थीटा, इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू इसको भी मान लेते हैं p डैश, क्या होगा m g h। अब m g h इक्वल टू क्या फॉर्मूला भी हमें पता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी, जी जी कट गया, मतलब 1 बाई टू एम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो p इक्वल टू क्या निकला, हाफ एम यू स्क्वायर, हाफ एम यू स्क्वायर को k कर लेते हैं, k साइन स्क्वायर थीटा। तो आप देखो के ई का वैल्यू है के कॉस स्क्वायर थीटा, पी का वैल्यू इसको के ई रहने देते हैं, के इक्वल टू, तो टी इक्वल टू क्या होगा, पी प्लस के ई, मतलब के साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब के साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू के इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर। इसका मतलब एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, ओनली ट्रांसफर वन फॉर्म टू एनदर फॉर्म। तो आज का थ्योरी क्लास यहीं तक, कल इस पर हम प्रॉब्लम लेंगे। गुड नाइट।